अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जहाद। आप देख रहे हैं जहाद क्यूबी टीवी। तो आज हम सीखेंगे कि हमारा अगर कोई दोस्त फ्रेंड हमसे मैसेज कर रहा है और वो मैसेज को डिलीट कर देता है, तो हम उन मैसेज को देखना चाहते हैं। हमारे पढ़ने से पहले ही उसने डिलीट कर दिए हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि वो मैसेज उसने क्या सेंड किया था और उसका कैसा मैसेज था, तो हम किस तरह पढ़ सकते हैं, तो हम आज सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम व्हाट्सएप में आते हैं और व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पर हम मैसेज सेंड करते हैं, कोई भी मैसेज। तो यहाँ से मैं कोई मैसेज सेंड कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं मैसेज मैंने सेंड कर दिया है, तो ये सेंड हो रहा है। तो ये देख सकते हैं मैसेज सेंड हो गया है, तो हमारी दूसरी ऐप में आ चुका है व्हाट्सएप बिज़नेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप बिज़नेस में मैसेज आ गया है। तो चलिए हम इस मैसेज को अब डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इस मैसेज को डिलीट कर दिया। तो हम आ जाते हैं ऐप में इसमें, तो इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं। तो ओके दोस्तों, हम अपनी व्हाट्सएप ऐप में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने मैसेज डिलीट किए थे वो मैसेज हमारे सामने शो हो रहे हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये, यहाँ से आप स्टेटस भी डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाउनलोड, यानी कि किसी ने डिलीट की हो तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वॉइस भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू